वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा था जो जिमिन थे योंगी को ना किस करने लगे थे, और जो योंगी थे वो ना जिमिन को ना धक्का दे देते थे, और जो जिमिन होता है तो फिर ना योंगी की तरफ देखता है और कहते कम ऑन बेबी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो इतना तो बनता ही है ना। तो फिर जो योंगी होता वो कहते मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो जिमिन कहते मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर ना जो योंगी होता है वो उसकी तरफ कुछ देर तक देखते हैं और कहते हैं मैं बगैर प्यार के कभी अल्टीमेट नहीं होगा तुम्हारे साथ, ये बोलते हैं। फिर ना वहाँ से ना योंगी जाने लगते हैं, तो जिमिन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फिर ना जो योंगी होता है वो अपना ना हाथ छुड़ाता है जिमिन से। तो जिमिन कहते हैं कि मेरी बात सुनो, क्या हम इस मैरिज को एक चांस नहीं दे सकते? हमारी मैरिज तो ऐसी हो गई है, तो क्या हम इस मैरिज को चांस नहीं दे सकते? तो योंगी ना उसकी तरफ एक दफा घूर के देखता है और फिर कहते मुझे नहीं पता, मुझे तुम नहीं पसंद हो। तो फिर ना जो जिमिन ना ऐसे हंसते कहते कहते मुझे तो तुम भी नहीं पसंद हो, फिर अब क्या कर सकते हैं? तो मेरी मैच होगी, अब तो हम डिवोर्स भी नहीं दे सकते एक दूसरे को। तो ना योंगी उसकी तरफ घूर के देखते हैं, फिर कहते फाइन बट अभी के लिए तुम इस कमरे से दफा हो जाओ। तो फिर ना वो ये बोलते हैं और फिर ना बेड में जाकर लेट जाते हैं, ऐसे मींस टॉवल में था। तो फिर ना जो जिमिन था वो उसके पास आता था और उसके ऊपर ना ब्लैंकेट करते हुए कहते कि ठीक है मैं कमरे से दफा तो नहीं होऊंगा, बट मैं कमरे से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ब्लैंकेट कर लेना चाहिए ना कि रात में तुम ना बहुत ज़्यादा स्क्रीम करना स्टार्ट कर दो। तो ना जिमिन की बात सुन के ना योंगी को पहले तो कुछ समझ आता नहीं, फिर बाद में सब आइडिया होता है कि योंगी को समझ आता है कि जिमिन क्या कहना चाहता है। तो फिर कहते या यू फकिंग तो जिमिन उस बोलता है और फिर ना गुस्सा कर होता है। तो फिर ना जो जिमिन आता है हंसते है ना वॉशरूम में आ जाता है, वो भी शावर लेके और वो पहले तक देखते हैं कि वहाँ भी ना कोई क्लोथ्स नहीं होते, तो वो ना आता है उसने भी टॉवल किया होता है। तो फिर वो भी ना अपना एक और ब्लैंकेट उठा के ना वो अपने ऊपर डाल के ना वहीं ले जाता है। और ना योंगी की तरफ देखे तो जो योंगी था वो काफ़ी ज़्यादा नहीं फुल मैरिज थिंग की वजह से ना काफ़ी थक गया था, तो वो वहाँ सो चुका था। तो ना जो ना बस उसके फेस की तरफ देखा था जो बिल्कुल एक ना क्यूट किटन टाइप लग रहा था। तो उसको देखे जो जिमिन होता है वो स्माइल किया था और फिर चुप करके अपने आईज को भी क्लोज कर लेते, उसको भी नींद आ जाती है, वो सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पे जो योंगी है उसने क्लोथ्स पहने हुए थे, मीन्स अब उसने ना ट्राउजर्स और शर्ट करके पहना हुआ था। तो वो ऊपर आया था और ना जिमिन को देखते जो जिमिन होता पीसफुली सो रहा, बट उसकी चेस्ट ना विजिबल थी। तो योंगी ना अपना अंदर अजीब सा सेंसेशन फील करता है ऐसे हॉटनेस सा, बट वो ना अपना माइंड को झटकता है फिर देन नहीं मैं ये क्या सोच रहा ये बोलते। और फिर ना योंग जिमिन के पास जाता है, कहते हे उठो जिमिन जिमिन उठ जाओ सुबह हो गई है क्या कर रहे हो उठ जाओ, उसको उठाने लगते हो। तो फिर ना जिमिन होता कहता है प्लीज मदर सोने दो ना, फिर सिर्फ 5 मिनट्स हो। तो फिर ना जो योंगी होता वो ना उसके बम पे ना ऐसे केक करते हुए कहते हैं कि ना उठ जाओ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तुम्हारे मदर नहीं। तो फिर ना जो योंगी की वॉइस सुन के ना जिमिन होता फौरन उठ जाता है, फिर कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे बम पे तुमने मारे थे जोर से गंदा उसमें बोलता। और फिर ना अपने ना बम को सहलाने लग जाता। फिर ना जो योंगी होता वो हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था और कहते तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव करते हो, तुम कौन कहेगा कि तुम 22 ईयर्स के हो। तो फिर ना जो जीवन आता वो मुँह बनाते हैं, कहते हैं मैं 22 का नहीं हूँ 21 का हूँ। तो मैं कहते हैं वॉट एवर नेक्स्ट मंथ हो गए तुम 22 के, तो अभी तक तुम नेक्स्ट मंथ वैसे ही होने वाले, तो अभी से तुम्हें 22 का कहना शुरू कर देना चाहिए। तो फिर जो जिमिन मुंह बनाते हुए कहते हैं कहना वट एवर वो इस तरह बोलता है और फिर ना वहाँ से जाने लगता है। तो योंगी कहते हैं कि तुम्हारे क्लोथ्स सारे क्लोथ्स हमारे आ चुके हैं, सुबह गार्डन चलते गए और सारे अब ना उसमें मैंने ना अलमीरा में भी रख दिया, तो तुम अपनी मर्जी से चूज करके जल्दी से पहन लो, ये बोलते हैं। फिर ना वहाँ से ना रेड फेस के साथ चले जाते, और जो जीवन होता है वो कहता है इसका फेस इतना रेड क्यों होता है क्या ये ठीक तो है,
और फिर उसको आइडिया होता है, फिर वो अपनी तरफ देखते हैं केरों को फुली नेकेड हो गया था, मीन्स नींद में ना उसका जो वो था ब्लैंकेट हट गया था, उसका ना टॉवल हट गया था, तो फिर ना उसको ना अफसोस हो जाता, तो फिर ना उसको भी थोड़ा ना वैसा फील हो रहा था कि वो योगी के सामने ऐसे नेकेड खड़ा, तो उसको पता नहीं था, तो योगी ना बाहर भागता हुआ था और फिर ना किचन आ जाता, और फिर ना हाथ पे हाथ रखता है जो काफी ज्यादा तेज बीट कर रहा था, तो फिर ना वो सोचने लगता है कि ये सब क्या था। फिर वो ना इस तरह करता है और ना स्माइल कर रहा था। उसके बाद फिर ना अपना ब्रेकफास्ट पर लग जाता है, और फिर ना वहाँ पे जी 15 मिनट्स बाद ना जिमिन आता है, फिर तुम क्या कर रहे हो, तो फिर ना जो यूंग होता है वो कहते हैं कि ना मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रहा, तो फिर कहते हैं ओह अच्छा ठीक है, चलते चलते मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो फिर ना जो यूंग कहता है हे एक्सक्यूज मी, मैंने बोला मैं सिर्फ अपना बना रहा हूँ, तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा। तो जिमिन उसकी तरफ देखते हैं कहते हैं हाउ क्रूल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरे लिए भी बनाना चाहिए। जो योंगी मुंह बनाते हैं कहते हैं कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा ये बोलता है, और फिर ना जिमिन के सामने ना बैठ जाता है और खाने, तो फिर ना जो जिमिन होता है मुंह बनाता है और फिर ना खड़ा होता है और फिर अपने लिए ना अलग से बना रहा था, तो उसको देख के ना जो योंगी होता है वो हंसता है और फिर कहते हैं मजाक कर रहा था, इधर आ जाओ इधर बैठा, मैं तुम्हें ना सर्व करता मजाक कर रहा था मैं, आ जाओ। तो फिर ना जो जिमिन होता है कहते हैं नहीं कोई सर नहीं मैं अपना बनाऊंगा, तो फिर योंगी कहता है पक्का, फिर मुझे गुस्सा आ गया ना मुझसे बुरा कहीं नहीं होगा। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता है कि ना योंगी ने ना ये सीरियस टोन में बोला था थोड़ा इस तरह करके, तो वो ना चुप करके बैठ जाता है, तो फिर ना योंगी हंसता है और फिर ना उसको चकल करते हैं ना दे देता फूड, और ये वाला पार्ट में यहाँ पर एंड करो। टाटा बाय बाय।